इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी तो सर आउटसोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे बाकी एयरपोर्ट भी नहीं, दे दो। सारे का सारा बिकेगा पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बिकेगा पाकिस्तान, ये सारे का सारा बेचेंगे भाई, जो लेना चाहे ले लेना, लूट सेल लगी है भाई, एक सूबा लो दो फ्री दे देंगे, ये तो उस तरह चल रहा है काम। अब चलेगा आगे, देखें कि क्या होता क्या है आपके साथ, आगे आगे देखें, अभी तो शुरुआत है ना। ये लेकिन सर आपको, जी ये वैसे जाती पर्सनली आपको बताऊं, आपको IMF के लोन की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए आपने लिया है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों से आप पैसे लेके तो आप भाग सकें। आपके कई लोग जो है वन वे टिकट लेकर बैठे हैं इस वक्त, उड़ जाएंगे फौरन, भाग जाएंगे, लंदन से आए थे लंदन वापस चले जाएंगे, वो तो छोटे छोटे टैची केस लेकर आए हैं, हैंड बैग में आए, कैरी ऑन में आए थे, वो तो साथ सूट केस भी नहीं लेकर आए, वो तो कैरी ऑन से आए थे, टीटी लगाएंगे तो वापस अपने घर में, तो वो बल्कि हो सकता है टीटियां पहुंच भी गई हो इस वक्त, लेकिन सारा पता है। आरजू, ये जो हम बातें कर रहे हैं नई नहीं है, आपकी हर एजेंसी को पता है, आपके सारे इस्लामाबाद को पता है कि लूट किधर पड़ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन ये है कि रोकने का कोई इरादा नहीं किसी का, ये बात है। मेरे जैसे बंदे को दुख ये है कि अकाउंटेबिलिटी करने का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा, हमारे नए आर्मी चीफ साहब भी अकाउंटेबिलिटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं क्या बात है, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ। हालांकि उनके इरादे हैं पाकिस्तान में रिफॉर्म करने की, चीजें तब्दील करने के, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की तरफ तवज्जो उनकी भी नहीं है, अफसोस से मैं कहूंगा, अफसोस। और अकाउंटेबिलिटी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। देखें, डेड बॉडी की पहले जो एक जख्मी जिस्म होता है उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं, इलाज फिर होता है, तो ब्लीडिंग रोकने के बगैर आप उसको पेन किलर देना शुरू कर दो, क्या फायदा, वो क्योंकि सर पेन उसके किलर लिए तो देना शुरू हो सबसे चुके हैं। पहले, सर उसके लिए तो सबसे पहले उन्हें अपने जो अपना अपना इदारा है उसमें लोगों की पकड़ धकड़ करनी चाहिए, उनके पॉलिटिशियन की अदारे पकड़ तो बाद में आती है। आरजू, उनके अदारे में सबसे ज्यादा मैं समझता हूं जो ज्यादती की है, इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर किया था और पाकिस्तान के अरबों रुपए खर्च किए उस पर और अरबों का नुकसान हुआ, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी वहां से शुरू होनी चाहिए, वहां से शुरू होनी चाहिए कि भाई तुमने कौम के साथ ये क्या किया है, इस बंदे को लाए हो, जो कहते थे 200 बंदे इसके साथ हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, और उसके बाद क्या हुआ है। कल आप नई बात जो फैसल वाडा साहब ने कही है, उन्होंने कहा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है 11 करोड़ लोगों का, और उसका जो चीफ मिनिस्टर था वो पांव में बैठता था, खान साहब जब बैठते थे साथ, उनकी मिसेज बैठती थी जहाज में, तो पांव में बैठता था। फिर ये कहते हैं कि इस गुलामी से मौत अच्छी है, तो आपने एक बच्चा अब जनूबी पंजाब से ला के गुलाम बना लिया, आपने गुलामी उस पांव में क्यों बिठाते थे उसको, इस्लाम में इसकी इजाजत है आपको, लेकिन वो पांव में बैठता था। सर अलीम खान साहब कह रहे हैं कि जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, इमरान खान के फेवरेट सुमान बुज़दार, कह रहे हैं वो 5 लाख भी नहीं छोड़ते थे। भाई मैंने एक दफा गया पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूरा जनूबी पंजाब में से पूरे का पूरा बुज़दार ट्राइब जो यहाँ पे आ चुका है, 5-5 हजार ले रहे हैं बुज़दार फैमिली के लोग, जो दूर दूर के रिश्तेदार काम करा रहे हैं। ये मैं ये खुद अपनी आंखों से सुन के आया था कि पूरा बुज़दार ट्राइब आ चुका है लाहौर में, और वो कोई पैसा नहीं छोड़ते, वो लेते हैं और काम कराते हैं। लेकिन चले, आप वो कहते हैं अलीम खान साहब ने व्हाट्सएप मैसेज सेव किए मैं अपने, जो उन्होंने खान साहब को भेजे थे उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से, और खान साहब ने उस पर तुम्हारे आपके कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जो पाकिस्तान को ओन करता है, पाकिस्तान को ओन, सर मैं एकदम माफिया है, सर गुंडा है पूरा, माफिया है ये मलिक रियाज जो है, ये नहीं, माफिया का कब्जा नाम है, ग्रुप है, कब्जा बिल्कुल ग्रुप है, कब्जा ग्रुप टोटल है। कई लोगों को मारता मरवाता सारा कुछ, लेकिन ये देखे ना उसका 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 स्टैंडर्ड देखें, और अपने पाकिस्तान का फ्यूचर फिर देखें ना आप, एक एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टाइकून भी ना मैं कहूँ गलत लफ्ज़ का, प्रॉपर्टी डीलर है वो, तो उसको देखें उसका जो, जो, जो उसके उसके क्वालिफिकेशन है आप देखें तो आप हैरान हो जाएं। और मैं और लेकिन ही इज अबव एवरीथिंग, पाकिस्तान पूरे का पूरा उसकी जेब में है इस वक्त। बिल्कुल अब आप मजबूर हो जाते हैं, आपके सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी उसके उसके सामने जाते हैं तो कांपना शुरू हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हर एक ने प्लाट लिया है वहां से, सहाफी है उसकी जेब में है, हर चीज उसकी जेब में है। मैं हैरान होता रहता हूँ ये आपके पाकिस्तान की, और हर वजीर आजम का वो मेरा मकसद है, कभी वो कैरेट के हीरो की अंगूठियां देता है, कभी कुछ देता है, कभी कुछ, सारे रिटायर्ड जनरल उसके पेरोल पर सारे, बिल्कुल तो ऐसे मैं ही। तो मैं अगर देखूं तो मेरे ख्याल है कायदे आजम के बाद आपकी हिस्ट्री में दूसरा नाम उसी का आएगा, उसी आने वाले लोग यही कहेंगे कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने पाकिस्तान को किस तरह खरीदा था और किस तरह उसने मैनिपुलेट किया, लूटा उसने किस तरीके से पाकिस्तान को, ये आपकी हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा डार्क चैप्टर होगा मैं समझता हूँ मलिक रियाज का। लेकिन ये कि देखें उसमें
आरजू, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने पहले 10 साल में 1947 से 57 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, और उसके बाद आप एक डिफेंस स्टेट बन गए, आप उसके बाद आप रियल स्टेट में चले गए। अयूब खान साहब ने मेरे फौजी भाइयों को प्लाट और ये चीजें देनी शुरू की थी, फिर उसके बाद हम प्लाटों से निकले नहीं हैं, उसके बाद हम प्लाटों में रहे हैं। लेकिन ये कि अफसोस, मुझे इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे जो करंट आर्मी चीफ है उनसे बड़ी उम्मीदें मैं खुद लगा के बैठा हूँ। मैं खुद एक समझे तो जिस तरह एक पाकिस्तान के बारे पहले ख्वाब देखता रहा हूँ खान साहब के हवाले से। मुझे अभी याद, अगर पूछे तो मैं अपने ऑफिस में, अमेरिका के अंदर ऑफिस में, मैं गाना लगा के, मुझे अभी याद है मेरे जो सरदार पार्टनर है, मेरे जो भाई हैं वो जैसी सिंह, वो भी मजाक उड़ाते हैं आजकल मेरा, मैं ये बुलंद आवाज से गाना लगा के सुनता था कि बनेगा नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। लेकिन यही है, आज कल मैं फिर उम्मीदें हैं, मैं बल्कि इंकरेज हो गया हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने अगले दिन स्पीच दी है, उनका उनका उनकी बातें सुनकर फिर इंकरेज हुआ दूसरी दफा। अल्लाह ना करे कि मैं फिर दोबारा मेरा दिल टूटे, ना उम्मीद हूं, लेकिन स्लो स्पीड उनकी बहुत स्लो है। इस वक्त आपको एटलीस्ट 5,000 लोगों के नाम ईसीएल पर होने चाहिए इस वक्त, और जिन लोगों को ये अगले दिन उन्होंने कानून एक थोड़ा सा कोई टूटा फूटा सा पेश करने की कोशिश की है कि 17 से 22 ग्रेड के अफसरान जो हैं वो फॉरेन सिटीजनशिप या अपनी जायदादें बाहर नहीं रख सकते, लेकिन ये बिल्कुल एक स्लैप, हाथ के ऊपर स्लैप है। ये थोड़ा सा इस पे आपको रफ होना पड़ेगा। एक तो एंटी करप्शन को प्लीज आप दोबारा तोड़ के जोड़ें, नैब को तोड़ के जोड़ें आप एक दफा दोबारा, फिर आपको फिर चीजें चीज होंगी। और एक सबसे बड़ी बात ये है, जिस सोसाइटी के अंदर सजा ना दी जाए, मुजरम को सजा ना दी जाए, उस सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप छोड़ देते हैं। आप दो कानून है, दो कानून है। खतीजा शाह को जिस दिन छोड़ेंगे फिर दूसरे बच्चों को क्या करेंगे आप? बिल्कुल आपको सजा देनी पड़ेगी, आपको इन चीजों को सख्ती से हैंडल करना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह करें कि आपके हमारे बस की बात नहीं। लेकिन ये सर ना इन्होंने उम्मीद, एक बार फिर इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं, और वो जो मैंने आपको एक पोस्ट भेजी थी, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, क्योंकि रेडियो के मेरे बाद और आपके दादा ने रेडियो फ्री में सुना है, तो रेडियो की फीस भी अब हमसे ली जाएगी सर टीवी के साथ साथ। देखें, ये तो यही अफसोस है, यही मुझे अफसोस है आईएमएफ के ऊपर कि खुदा रा यार तुम लोगों का खून चूसते हो, जो 87 इस वक्त कैबिनेट मेंबर है उनको क्यों नहीं देखते?